हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी एन सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में द फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ के प्लांट सेल का स्टडी करेंगे। प्लांट सेल का ये स्ट्रक्चर दिखें माइक्रोस्कोप से। प्लांट सेल को देखने के बाद इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे ये जो डेंस प्लांट सेल के अंदर जो डेंस एरिया होता है वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बाद सबसे ऊपरी कवर जो होती है वो सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एडजेसेंट सेल वाल कहलाता है। सेकेंड वाल जो होता है उसे सेल वाल कहते हैं, और सबसे अंदर की तरफ जो वाल होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेल के प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। इसके बाद लाइसोसोम भी पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक सेल न्यूक्लियस के चारों तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियस से ही जुड़े रहते हैं। इंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के नज़दीक होते हैं, और थोड़ा सा साइड में होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम इम्बेडेड होते हैं, इसीलिए उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो प्लांट सेल के इतने, और ये वैक्यूल्स होते हैं, तो प्लांट सेल के इतने पार्ट्स हैं जिसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गेन्स पाए जाते हैं उसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है, सेल के आउटर कवरिंग पर बाहर की तरफ। उसके बाद सेल वाल होता है जो सेकेंड लेयर होता है, और थर्ड लेयर जो होता है एडजेसेंट सेल वाल कहलाता है। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये सभी सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करें कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर सेल के आउटर कवरिंग होती है, जो चारों तरफ से ये कवर किए रहता है, सेल के कवरिंग करता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड सेपरेट्स इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट से सेल जो ऑर्गेनल्स को सेपरेट करता है, और सेल से इन्वायरमेंट को कवर करता, इन सेल और इन्वायरमेंट के बीच में कवर का काम करता है। सेकेंड इसका फंक्शन है अलाउस इंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के और अंदर और बाहर मटेरियल को आने और जाने में यही हेल्प करता है, यही अलाउ करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा तो वो मटेरियल सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा, या बाहर अंदर की मटेरियल बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में नहीं आ सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर जिस मटेरियल की जरूरत होती है उसी मटेरियल को सेल के अंदर लेता है, अगर जरूरत नहीं है तो वो बाहर ही रह के रहनाता है। यानी सेलेक्टिव मटेरियल को इंटर करने देता है, बाकी मटेरियल को ये इंटर नहीं करने देता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने दे, जो जिसकी जरूरत है उसको। फोर्थ पॉइंट है ये CO2 O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट दिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब दो तरह की इसमें फंक्शन होते हैं, एक डिफ्यूजन होता है जो गैसों का एक्सचेंज होता है थ्रू इन्वायरमेंट टू इनसाइड द सेल,
और दूसरा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर इन्वायरमेंट में, बाहर की तरफ भी, सेल से बाहर की तरफ भी आते हैं। तो मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के या तो अंदर जा सकते हैं या सेल से बाहर की तरफ जा सकते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। सेवन पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीला होता है, क्योंकि लचीला नहीं होगा तो जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैसेस एक्सचेंज है नहीं हो सकता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, यही कारण है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एट पॉइंट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू इनगल्फ फूड। पहले ही बता चुके हैं फूड मटेरियल को अंदर जाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फूड मटेरियल या दूसरे मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड नहीं हो सकते। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के कारण फूड मटेरियल अंदर की तरफ जाते हैं या अदर मटेरियल भी इंटर करते हैं। इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल का अंदर जाना या अंदर से बाहर की तरफ आना या दूसरे मटेरियल का आना जाना भी इंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा एक्वायर्स द फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा इस प्रोसेस के द्वारा, आप जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अपना फूड मटेरियल एक सेल के द्वारा ही करता है, और उसी सेल से सेल के अंदर फूड मटेरियल लेता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर बनते हैं उसको फिर वो बाहर की तरफ कर देता है। तो इस तरह के प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसे रिलेटेड एक पॉइंट है कि व्हाट विल हैपेंस इफ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सुगर और साल्ट इन वाटर। अगर किसी वाटर साल्ट सॉल्यूशन या सुगर सॉल्यूशन में एनिमल सेल या प्लांट सेल को डाल देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? फिर से सुन लें एक बार कि अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल को साल्ट सॉल्यूशन या सुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसमें तीन कंडीशंस देख सकते हैं। पहला कंडीशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशंस पर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जैसे ये सराउंडिंग है बाहर की, सेल के बाहर का ये हमने सेल बनाया है, तो सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो है और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है। बाहर का सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाई है, ये चारों ये कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा इधर की तरफ, यानी सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स के हैं सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा? सेल स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, इस तरह की कंडीशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल और सराउंडिंग, सेल ये है, सेल और सराउंडिंग दोनों में जो वाटर कंसंट्रेशन है सेम रहेगा तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और उस स्टेज में सेल पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न सेल की साइज बढ़ेगी और न सेल श्रिंक करेगा, बल्कि जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। थर्ड स्टेज है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सराउंडिंग का कंसंट्रेशन कम है, वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में कम है लेकिन सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा कि सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंडिंग में जाएंगे। तो जब सेल से सराउंडिंग में जाएंगे तो क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये तीन कंडीशन है, इसको ठीक से समझ लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद सेल वाल के बारे में, सेकेंड
पॉइंट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स में। सेल वाल क्या होता है, हमने बताया था कि ये इनर सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की सेल होती है, उसके बाहर वाला जो सॉरी सेल करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सबसे बाहर वाले सेल के अंदर वाली लाइनिंग होती है, उसके बाद वाली जो कवरिंग होती है वो सेल वाल कहलाती है। तो ये भी सेल वाल क्या है, एक तरह से कवरिंग है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल वनली, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। सेल वाल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वाल जो है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी सेल इसी के कारण सेल में एक मजबूती प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, अगर कोई प्लांट सेल है पानी लूज कर रहा है, जैसे ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, व्हेन ए सेल लिविंग सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज, उसमें क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगी या कंट्रेक्शन हो जाएगा। ये श्रिंकेज और कंट्रेक्शन के कारण जो है सेल सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद सेल से उसका जो सेल वाल है उससे डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा सिकुड़न के कारण। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फिर से एक बार समझ लें, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कंट्रेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लिविंग सेल अवे फ्रॉम द सेल वाल, सेल वाल से दूर चले जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। जैसे जब सिकुड़ गया तो इसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेल वाल से थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचक जाएंगे, यानी अंदर की तरफ चले आएंगे। ये सेल वाल है, अगर इसमें से पानी निकल स्वेल है तो जाके चिपका हुआ है, और जैसे ही ये श्रिंक करेगा जो ऑर्गेनल्स है वो धीरे अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो सेल वाल से इसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और मैं बोर्ड को मिटाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, और होता कहाँ है सबसे पहले ये ध्यान, सेल के अंदर सेल का एक रफ पिक्चर, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डबल लेयर्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, ये डबल लेयर्ड होता है, और इसमें पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। तो ये डबल लेयर न्यूक्लियस का एक सेल के अंदर एक वाइटल रोल है, यानी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस एक डबल कवर, इसकी कवरिंग जो होती है वो डबल होती है, डबल कवर वाला होता है, और इसके बीच में एक एक पोर्स, बीच में ये पोर्स होते हैं, इसी पोर्स के द्वारा सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स इन करते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स या वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर साइटोप्लाज्म में चला आता है। तो ये पोर्स जो है मटेरियल के आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल की ट्रांसमिशन का काम करता है। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इसका बता चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेल के अंदर, क्योंकि इसका इसमें क्रोमोजोम्स पाया जाता है। क्रोमोजोम्स क्या होता है, क्रोमोजोम्स रड सेप्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम दिखाई देते हैं, और ये क्रोमोजोम इन क्या फंक्शन क्या है, तो ये कैरेक्टर को इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में यह ट्रांसमिशन करता है थ्रू डीएनए। तो ये डीएनए के द्वारा
मटेरियल्स डीएनए के द्वारा इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स को यानी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। दूसरा, ये बना किस चीज़ का होता है? ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्या लिखा हुआ है? डीएनए प्रोटीन का बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। अब जीन्स के ऊपर, जीन्स जो कहाँ होता है? डीएनए के ऊपर होता है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रोमेटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स व्हेन यूर सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड के स्टेज में आता है तो क्रोमेटिन के ऊपर क्रोमेटिन जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड कर जाते हैं और क्रोमोसोम्स में चेंज कर जाते हैं। अगर आप देखें तो ये क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर्स, यहाँ सेंट्रियोल्स हो जाते हैं, अलग तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं। यहाँ ये सेंट्रियोल्स है। अब क्रोमेटिन जैसे ही क्या होता है कि जब सेल डिवीजन यानी सेल पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस स्थिति में सेल ये क्रोमेटिन जो है ऑर्गेनाइज्ड कर जाता है और ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद ये क्रोमोसोम्स में चेंज कर जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रोमेजेंस में डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए, और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में जीन पाए जाते हैं। जीन रियल में, जीन ही वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन ट्रांसफर होता है। द कैरेक्टर बियरर, जीन जो होता है बियरर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कैरेक्टर्स को धारण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। अब डीएनए क्या होता है, किस तरह का बना होता है? तो डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड, चाहे इसको कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी एक तरह का एसिड है डीएनए। और डीएनए के ऊपर बता चुके हैं कि क्रोमेटिन, जैसे सेल डिवीजन पूरी तरह से, जैसे सेल मैच्योर हो जाता है सेल डिवीजन के समय, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर यानी क्रोमोसोम्स में ही डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं जो इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स को यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को उनके बच्चों में जाना या किसी भी चीज़ के कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जीन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन में यानी एक सेल, सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक सेल दो सेल में जब चेंज करता है तो उस समय न्यूक्लियस का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तभी सेल डिवीजन हो सकता है जब तक कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होना हो। पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप्ड हो जाता है, इसके बाद ही सेल डिवाइड करता है और ये दो पार्ट में डिवाइड करके सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग तरह के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इन बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल पुअरली डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चूंकि बैक्टीरिया के अंदर, पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। इस कारण से उसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें इस तरह का डिवीजन पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियॉइड क्या होता है? अनडिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, यानी वैसा जिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जिस वैसा न्यूक्लियर रीजन जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही पाए जाते हैं, उस तरह के सेल को न्यूक्लियॉइड कहते हैं।
अब प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब प्रोकैरियोट्स के बारे में, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया के केस में, अगर देखें तो इसमें न्यूक्लियस अस्पष्ट नहीं होता है। चूंकि न्यूक्लियस इसलिए स्पष्ट नहीं होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही स्पष्ट नहीं होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बाउंड्री वाल होता है। इसे क्लियर नहीं हो पाता है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है या नहीं, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट पाया जाता है इसमें। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें, या प्लांट्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस में आ जाइए, बैक्टीरिया में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यानी वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है या यूकैरियोट्स किसे कहते हैं? तो जिसमें यूकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली होता है, यानी न्यूक्लियस पूर्णतः आपको विविड होता है और न्यूक्लियस पूरी तरह से दिखाई देता है, उस तरह के सेल को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके बाद वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इसमें एक तरह का लिक्विड भरा रहता है, डेंस लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड है जो जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, और जितने इसके अंदर ही स्पेशलाइज सेल्स ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्जी एपरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और इसके बारे में भी बता चुके हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना फंक्शन है, लाइसोसोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन है, गॉल्जी एपरेटस का अपना फंक्शन है, प्लास्टिड और वैक्यूल्स का भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते रहते हैं। अब चलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? अब आप पूछ सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। द सेल ऑर्गेनेल्स, द ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जितने तरह के ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गॉल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्टिड हो गए, सभी सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। यानी सेल के पार्ट्स, सेल के अंदर के पार्ट्स कहलाते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। पहले इसका कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, और ये जनरली न्यूक्लियस से ही जुड़ा रहता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी ट्यूब्स होते हैं, और उसमें एक तरह का फ्लूइड भरा रहता है जो उसको फ्लोट करने में मदद करता है। साथ साथ ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। जो दोनों तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डिफरेंस होता है कि एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाया जाता है। तो इसे इरेज करते हैं।
अगर आप ये स्क्रीन शूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, और इस ऑर्गेनेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है सेल के अंदर। सबसे पहले इसका पिक्चर देखते हैं सेल के अंदर। मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह की ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी इसका कनेक्शन न्यूक्लियस से होता है। और ये ट्यूब, इसकी ट्यूब में कुछ ऐसे भी इस तरह के जो ट्यूब्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला, एक तो स्मूथ हो गया जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते, और कुछ ट्यूब्स ऐसे होते हैं जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं और इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर से इसे दिखाया जा सकता है। ये राइबोसोम्स है और ये भी इससे न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पूरे सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ट्यूब्स का नेटवर्क बनाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्यूब्स का नेटवर्क है। इस नेटवर्क ट्यूब के अंदर जो ल्यूमेन होते हैं वो पूरी तरह से फ्लूइड से भरा रहता है, ताकि उसे, बता चुके हैं कि फ्लोट करने में हेल्प मिलता है, आसानी से सेल के अंदर फ्लोट करते रहे। अब इसमें दो कंडीशंस होता है, अभी दिखाएं कि एक जो होता है जिस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ER शॉर्ट में, और जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं रफ RUH रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिर्फ एक इंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक होता है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब देखिए राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स ही करते हैं, जो सेल के अंदर जहां भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसिस प्रोटीन को सेल के वेरियस पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं। तो हमने बताया अभी तक कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के हो गए, दो तरह के। पहला स्मूथ फर्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो जिस भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाया जाता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपको हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो लिपिड का सेक्रीशन करते हैं, स्मूथ लिपिड का सेक्रीशन करते हैं, यानी कि लिपिड बनाते होंगे तभी सेक्रीशन करते हैं। हेल्प इन द मैन्युफैक्चर, यहाँ आ गया, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि ये लिपिड प्लस या फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द प्रोटीन्स प्लस लिपिड, कुछ इसके जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो कुछ लिपिड बनाए जाते हैं और जो राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन बनाए जाते हैं, तो कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड मिल करके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, सेल का मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस प्रोसेस को वायोजिनेसिस कहते हैं, यानी सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज बायोजिनेसिस। अब बायोजिनेसिस क्लियर हो गया होगा कि लिपिड जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
बायोजेनेसिस। ऐसे प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहते हैं, और ये बायोजेनेसिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसे हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी अभी हमने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक लुक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो रफ दिखाई देता है। इट हैज ए पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि इसके ऊपर एक तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, राइबोसोम्स आर ए साइट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, यानी राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, प्रोटीन्स आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल। प्रोटीन्स जो बनते हैं सेल के अंदर, वो सेल के डिफरेंट पार्ट्स तक भेज दिए जाते हैं, जिससे कि हर सेल अपना जो जहां जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो अपना प्रोटीन ले सकता है और सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर सके। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बार फिर से रिवाइज कर लें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो एक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है सेल के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके ऊपर कुछ डॉट्स जैसे पॉइंट्स दिखाई देते हैं, उसी पॉइंट्स का नाम राइबोसोम्स रखा गया है, चूंकि रफ इसी के कारण रफ दिखाई देता है। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और प्रोटीन्स जो है वेरियस सेल के वेरियस पार्ट्स तक जिस सेल ऑर्गेनल्स को जरूरत पड़ती है प्रोटीन, वो राइबोसोम्स के द्वारा प्रीपेयर्ड प्रोटीन का यूज करता है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सेक्रीशन करता है, यानी लिपिड का मैन्युफैक्चर करता है, साथ साथ फैट मोलिकुल्स भी स्पेशल कंडीशंस में बनाता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, अब इसके द्वारा जो प्रोटीन्स और लिपिड बनाए, जो राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन्स बने और इसके द्वारा जो लिपिड बने, ये सेल मेम्ब्रेन के बनाने में हेल्प करते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन इसी के द्वारा ही बनते हैं। इसी प्रोसेस को बायोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, और बायोजेनेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अगर आप स्क्रीन शूट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन शूट ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, गॉल्जी एपरेटस क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे गॉल्जी एपरेटस सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है। ये गॉल्जी एपरेटस सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये गॉल्जी एपरेटस जुड़ा होता है। गॉल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गॉल्जी ने इसे देखा था, इसीलिए इसका नाम गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस जो दिया था गॉल्जी एपरेटस के बारे में, गॉल्जी ने ही दिया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडीज कहते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, देख रहे हैं आप, ये इसी तरह का शेप का होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, अरेंज इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल में ये अरेंज रहते हैं, पैरेलल स्टेज में, जिसे स्टैक्स कहते हैं, और पूरे को सिस्टर्न्स कहते हैं, ये सिस्टर्न्स है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? ये तो स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन होता है कि जो सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है, जो मटेरियल बनाया जाता है, उस मटेरियल को ये पैकेजिंग करता है, साथ साथ डिस्पैच्ड करता है वेरियस टारगेट्स ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर भी दूसरे सेल को भी ये सप्लाई देता है, साथ साथ सेल के अंदर के जहाँ भी ये ज़रूरत पड़ती है, जो मटेरियल पैकेज्ड किया जाता है, जो मटेरियल बने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं, उस मटेरियल को ये पैकेजिंग और
पैच करने में हेल्प करता है। बस इसका मेन फंक्शन यही है, यानी मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड, यानी पैकेजिंग किया जाता है, माने बांधा जाता है और इसको डिस्पैच किया जाता है टू वेरियस टारगेट्स, जहां भी इसकी जरूरत पड़ती है उस टारगेट तक पहुंचा दिया जाता है। यही मेन फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का। बाकी स्पेशल केस में ये सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर बनाता है, हमेशा ये होता नहीं है, विशेष केस में स्पेशल केस में ये करता है, और साथ साथ कभी कभी ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम को बनाता है, जो लाइसोसोम बनते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट वर्क हो गए। पहला फंक्शन है सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो मटेरियल सिंथेसाइज किए जाते हैं उस मटेरियल का पैकेजिंग करना, साथ साथ डिस्पैचिंग करना फ्रॉम वेरियस टारगेट्स ऑफ द सेल, सेल के जिस जहां भी इसको जरूरत पड़ती है वहां पर वो भेज दिया जाता है। स्पेशल केस के अंतर्गत दो चीजें होती है कि ये शुगर सिंपल शुगर से कम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करता है, कम्प्लेक्स शुगर बनाता है, साथ साथ ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब चलते हैं लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल के अंदर बहुत सारे टीनी टाइप का इतने सर्कुलर स्फेरिकल सैक दिखाई देगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाइएगा, यही लाइसोसोम्स होता है। ये टीनी बहुत ही छोटे होते हैं, साथ साथ स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म होता है वैक्यूल्स को छोड़कर पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले रहते हैं सेल के अंदर। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि वाटर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, सेल के अंदर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसकी व्यवस्था करना। अगर ज़्यादा हो जाए तो ये अपने बैग में भर करके सेल से बाहर कर देते हैं, अगर कम है तो बाहर के सेल से ये ले ला करके जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से ला करके ये सेल के अंदर रख देता है। तो ये वाटर डिस्पोजल सिस्टम का काम करता है। सेकेंड इसका फंक्शन है क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स। सेल के अंदर किसी कारण से बैक्टीरिया या दूसरे फॉरेन मटेरियल्स इंटर कर जाते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको वो मार देता है, एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। और ज़रूरत पड़ती है जहाँ भी सेल अगर मान ले को डैमेज हो गया, सेल काम के लायक नहीं है, तो उस सेल को वर्नआउट कर देता है, डिजोल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और ये करता किसे? एक पावरफुल डाइजेस्टिव मटेरियल्स कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके इसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ये बैक्टीरिया साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स को भी डिजोल्व करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब जरूरत जो सेल फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जो सेल सजीधरण से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये क्या करता है? सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, सेल को डिजॉल्व कर देता है, सेल को वर्नआउट कर लेता है, जिसके कारण सेल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी सेल के आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्यों कहा जाता है? तो इसमें एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो फॉरेन मटेरियल साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स जो काम के लायक नहीं होते हैं उसको वर्नआउट कर देता है, डिजोल्व कर देता है, मार देता है, इसी कारण इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सेल के डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम्स में पाया जाता है वो कौन बनाता है, कौन सप्लाई करता है? तो वो सप्लाई करता है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बता चुके हैं आपको कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और लाइसोसोम्स को देता है। इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा। आगे के क्लासेस में बायो से रिलेटेड पॉइंट्स अगर अभी सही ढंग से आपको जानकारी हो जाती है तो आगे जब बायो लेकर के इंटरमीडिएट वगैरह करेंगे, नीट वगैरह के एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि सेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स में से माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना है। तो फंक्शन, इस पर सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इसी रूप में पाया जाता है। ये डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर का मतलब देख रहे हैं, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर जो है अंदर की तरफ डीपली फोल्डेड है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसी फोल्डेड में एटीपी कंजर्व रहता है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और ये इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है, कंजर्व रहता है। जब भी सेल को जरूरत पड़ती है वो एटीपी के रूप में एनर्जी सप्लाई कर देता है। ये इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जिससे आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? किसी पावर स्टेशन से दिया जाता है, बिजली जो सप्लाई आती है किसी पावर स्टेशन से जाता है, और पावर स्टेशन पर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके भेजी जाती है, वहाँ से सप्लाई दी जाती है। तो ये भी एक तरह से सेल के अंदर पावर हाउस है, क्योंकि यहीं से एनर्जी सप्लाई की जाती है। जब एनर्जी सप्लाई की जाती है जहाँ ज़रूरत होती है वहीं सेल के अंदर ये एनर्जी सप्लाई करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी इज सप्लाइड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। एनर्जी करेंसी, और यही सप्लाई दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक और इम्पोर्टेंस है कि एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके पास अपना डीएनए होता है और साथ साथ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। एक बार फिर से समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स है। आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर जो होता है डीपली फोल्डेड होता है, जो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही फोल्डिंग है, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसी में एटीपी के रूप में एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है। जब भी सेल को जरूरत पड़ती है ये एनर्जी यहीं से सप्लाई देता है। एटीपी क्या है? तो एक एनर्जी करेंसी है, तो ये एनर्जी करेंसी देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इसलिए कहा जाता है कि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या क्या फंक्शन है? डीएनए का तो आप जानते ही हैं, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है सेल के अंदर सप्लाई देता है। सेकेंड पॉइंट्स प्लास्टिड्स। नेक्स्ट पॉइंट प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? जनरली एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही ये पाया जाता है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि ये कलरफुल होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस और वाइट कलर में पाए जाते हैं। ये कलरलेस
होता है, साथ साथ वाइट भी होते हैं। और ये क्रोमो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये येलो रेंज का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। ये पिगमेंट के प्रेजेंटेशन के आधार पर अलग अलग कलर देते हैं। तो ये कलरफुल मैंने किसी भी कलर में आ सकते हैं, ये जिसमें जिस तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे उस कलर में हो सकता है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी फोटोसिंथेसिस में, जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब चलते हैं लीकोप्लास्ट के बारे में। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है, साथ साथ इसे व्हाइट कलर का भी आता है। क्यों होता है व्हाइट कलर का, क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयल, स्टार्च और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण लीकोप्लास्ट व्हाइट या कलरलेस होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल द स्ट्रोमा। बहुत सारे लेयर्स का ये बना होता है, एक लेयर नहीं होते हैं, बहुत सारे लेयर्स के बने होते हैं, जिस लेयर्स एक तरह के मटेरियल से बने होते हैं जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, उसी मटेरियल के डिफरेंट लेयर्स से बने होते हैं। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही देखने में लगता है बाहर से, अंदर से अलग होगा, ये बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखाई देता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक है, जैसे सेल के अंदर उस दिन भी मैंने बनाया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं बड़े शेप के होते हैं, ये वैक्यूल्स बड़ा होता है। वैक्यूल्स एक सैक है, सैक मतलब थैली, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, लाइफ सेविंग केमिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टोरेज सैक कहलाता है। स्मॉल इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। दे आर फुल ऑफ सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, ये पूरी तरह से सेल सैप से भरा होता है। अब सैप पूछेंगे क्या होता है, सैप एक डेंस लिक्विड होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लाइफ सेविंग मटेरियल्स लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब पाए जाते हैं। इसी कारण से ये, इसी को सेल सैप कहते हैं, और ये इसी कारण से ये पूरी तरह से टर्जिडिटी देता है, साथ साथ रिजिडिटी भी देता है, और सेल का शेप बनाए रखने में ये हेल्प करता है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इंपॉर्टेंट मटेरियल लाइक एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स का जो लाइफ सेविंग मटेरियल्स है यही वैक्यूल्स में पाया जाता है, और जब भी सेल के अंदर इन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है ये सप्लाई देता है। कौन कौन से मटेरियल्स हैं, एमिनो एसिड्स, शुगर्स, अभी बताएं कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर जो लाइफ सेविंग मटेरियल्स है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वाले मटेरियल्स हैं जो वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, और एक डेंस लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं, गाढ़ा लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में यानी इसको रिजिडिटी देने में, टर्जिडिटी देने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।